एक तो मध्य प्रदेश में मालवीय नगर में भोपाल में हमारा पत्रकार भवन था, वो पत्रकार भवन तोड़ दिया गया था और तब से वो जमीन वैसी ही पड़ी है। मैंने अनौपचारिक चर्चा भी पत्रकार मित्रों से की है, सबके मन में ये ख्याल है वो पत्रकार भवन बने, वो पत्रकार भवन बने लेकिन उसको नया स्वरूप देने का संकल्प मन में आया है। हम उसको बनाएंगे भी भवन और स्टेट मीडिया सेंटर का वो स्वरूप ले ले, जहां पत्रकार वार्ता और अन्य गतिविधियों के लिए सुविधाएं वर्तमान परिस्थितियों में जो आवश्यक है, या ये कहूं कि अत्याधुनिक सुविधाएं भी विकसित की जाए जिससे हमारी पत्रकारिता का काम आसान हो सके, तो पत्रकार भवन तत्काल ही हमने फैसला किया है कि उसके निर्माण का काम भी शुरू करेंगे और स्टेट मीडिया सेंटर का वहां दर्जा देंगे, वहां बैठने की व्यवस्था, चर्चा करने का स्थान, लाइब्रेरी, कैंटीन और क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती है, एक सभागार की व्यवस्था भी ठीक से उसको उन सब सुविधाओं को विकसित करने का काम किया जाएगा। बीमा कंपनी ने इस बार जो प्रीमियम की राशि है वो बढ़ा के 27% 27% की उसमें बढ़ोतरी की है। अब मैं जानता हूं कि इतनी बढ़ी हुई, इतना बढ़ा हुआ प्रीमियम देना कई मित्रों के लिए कठिनाई पैदा करेगा, इसलिए हमने तय किया है कि प्रीमियम की राशि जो पिछले साल थी उतनी ही ली जाएगी। जो बढ़ा हुआ भार है अतिरिक्त, वो राज्य सरकार वहन करने का काम करेगी ताकि पत्रकार मित्र इसमें कठिनाई का सामना न कर पाए। और 65 साल से अधिक उम्र के हमारे जो सीनियर पत्रकार हैं, 65 वर्ष से अधिक के पत्रकारों और उनके जो पार्टनर हैं पति या पत्नी, उनका बीमा का पूरा प्रीमियम सरकार के द्वारा ही भरा जाएगा, क्योंकि जिंदगी भर पत्रकारिता के माध्यम से उन्होंने प्रदेश की, देश की, लोकतंत्र की सेवा की है। बीमा के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि भी 16 सितंबर थी, उसको बढ़ा के 25 सितंबर कर रहे हैं ताकि कोई कठिनाई ना हो, पर्याप्त समय रहे बीमा करवाने में। बीमारियों के कारण पत्रकार स्वयं को भगवान ना करे वैसी स्थिति कभी आए, लेकिन हम जानते हैं कि ये संसार चक्र है, कई बार ऐसी कठिनाइयां आती है हमारे जीवन में, तो पत्रकारों को स्वयं और उनके आश्रितों के उपचार के लिए सामान्य बीमारियों में अभी तक आर्थिक सहायता का प्रावधान 20,000 था, उसको बढ़ा के हम लोग, क्योंकि आवश्यकता बढ़ गई है, इलाज में भी कई बार ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, तो 20,000 से बढ़ा के उसको 40,000 रुपये हम कर रहे हैं और गंभीर बीमारियों के लिए 50,000 से बढ़ा के इसको सीधे 1,00,000 रुपया किया जाएगा। लेकिन और भी कोई जरूरत होगी तो सरकार ध्यान रखेगी। हमारे वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों को प्रतिमाह सम्मान निधि अब तक 10,000 दी जाती थी, उसको भी बढ़ा के 20,000 रुपया किया जा रहा है ताकि जो वरिष्ठ पत्रकार हैं उनको तकलीफ ना हो। सम्मान निधि प्राप्त करने वाले भगवान ना करे, लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा होता ही है कि पत्रकार की का अगर स्वर्गवास हो जाए तो उनके परिवार को, उनकी पत्नी को 8,00,000 रुपए की सहायता की राशि एक मुश्त देने का प्रावधान कर रहे हैं। मुझे लगा पेंशन के बजाय अगर एक मुश्त राशि आएगी तो उससे बाद का जीवन आसान करने में सहायता मिलेगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को
आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत अधिकतम ऋण की सीमा भी 25 लाख से बढ़ा के 30 लाख रुपए की जाएगी, ताकि ठीक मकान बन सके और किसी भी अधिमान्य पत्रकार भाई और बहन के बेटा हो या बेटी हो, उनकी शिक्षा के लिए बैंक से लोन अगर लिया जाता है तो उसके ब्याज पर भी 5% ब्याज अनुदान 5 साल तक राज्य सरकार के द्वारा बहन किया जाएगा, ताकि बच्चों की पढ़ाई की तरफ हम लोग ध्यान दे सकें।